पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस सरकार को डरपोक सरकार करार दिया और कांग्रेस की हिमाचल की सरकार को झूठ बोलकर सत्ता में आने का आरोप लगाया। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला, कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं, उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। ये कांग्रेस वाले उनके साथी, तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गोर सांप्रदायिक है। दूसरा, गोर जातिवादी है। और तीसरा, गोर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन फिलहाल रुकेंगे।